स्नेह मिलन सम्मेलन हुआ, उस समारोह में जिस प्रकार से आप सबने, प्रिंट मीडिया ने, छायाकार पत्रकार सभी, आप सभी साथी आए, आप सबका भी धन्यवाद। सभी जनता का भी, चाहे वो बुजुर्ग थे, युवा थे, माताएं बहनें थी, अच्छी संख्या में भरी इतनी उमस गर्मी, उसके बावजूद सब जनता का, लोगों का वहाँ टिके रहना, पसीना भी मैं समझता हूँ जो उन्होंने मेरे लिए बहाया, मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकता, जो उन्होंने मेरे में प्यार विश्वास स्नेह दिखाया, उस सब के लिए मैं उन सबका, आप सबका आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि और बढ़ चढ़ कर पहले से भी ज़्यादा मजबूती से मुझे प्रेरणा मिली एक काम करने की, जो लोगों ने विश्वास दिखाया, तो पूरी तन्मयता के साथ दिन रात जितना मेरे से बन पाएगा उससे भी ज़्यादा मैं करने का प्रयास करूँगा। और स्वामी जी ने भी, सभी साथियों ने, जैसे मैंने पहले कहा कि गर्मी की परवाह न करते हुए खांचे खाने की व्यवस्था थी, वो भी बाद में अच्छी तरह से पूरी बढ़िया तरीके से, मैं समझता हूँ पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई, अदरवाइज व्यवस्थाएँ खराब होती हमने बहुत देखी हैं, जो हमारे साथियों ने, चाहे विनोद जुनेजा जी जिन्होंने, जिनके पास खाने की जिम्मेवारी थी, या भाई जिसके पास टेंट की थी, या प्रबंधन की, बहुत अच्छे तरीके से सबने काम किया। मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, अपने सहयोगियों का, अपने सगे संबंधियों का, जिन्होंने पूरे मेहनत करके मेरे लिए काम किया। पार्टी के प्रति जिस प्रकार से, मनोहर लाल जी के प्रति, मोदी जी के प्रति जो लोगों में विश्वास है, ऐसा विश्वास मैं भी बनाए रखूं, मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें मेरा भी एक योगदान हो, जितना मैंने पहले किया उससे और बढ़ चढ़ कर हो, मैं आप सबका भी उन्हें धन्यवाद करता हूं। ठकराल साहब, ये चुनाव से पहले ये कि शक्ति प्रदर्शन, सॉर्ट ऑफ शक्ति प्रदर्शन भी था क्या ये टिकट के लिए? मैंने पहले जो यात्रा की, पद यात्रा, सब आपने जैसे कल सुना भी होगा, ऐसी पद यात्रा हरियाणा में पहली बार हुई, किसी पार्टी के नेता ने ऐसी यात्रा नहीं की, वे घर से पैदल चला हो, खेत खलिहान नगर हर जगह पैदल, धूप छांव की कोई परवाह नहीं की, गर्मी बरसात भी बीच में आई, छाले भी पड़े, साथी भी मेरे बदलते रहे, कुछ साथी लगातार भी चले, और जहाँ मैंने उस यात्रा के दौरान चाहे पानी पिया, चाय पिया, खाना खाया, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि उन सबको बुलाकर मैं धन्यवाद करूं, इसलिए मैंने स्नेह मिलन का ऐसे नाम देते हुए ये प्रोग्राम किया था, उन सब का आभार व्यक्त करने के लिए, और साथियों के भी साथ में जिन्होंने अपना काम धंधा छोड़ के, अब जैसे संजय ग्रोवर ने लगभग 15-20 दिन दुकान पे नहीं गया है, सुबह से लेकर रात तक, चाहे फूल सिंह है, भाई रामदयाल हैं, इनका बेटा भी बल्कि कई दिन साथ चला, अब जो सर्विस में लग गया है वैसे, तो पूरी टीम ने जिस प्रकार से काम किया, तो मेरा एक फर्ज बनता था कि इन सबका मैं बुला के विधिवत इनका धन्यवाद करूँ। सिर्फ इसलिए प्रदर्शन था, इसलिए प्रोग्राम था, समारोह था, इसके बहाने चुनाव सिर पे है, और इसे आप किसी भी नज़र से देखिए, शक्ति प्रदर्शन समझें, या मेरा मित्रों का, जो परिवार का, जो एक सब ने हम मिलकर जुल के जो उस प्रयास को किया, तो जो कामयाबी मिली उसका सेहरा सभी सहयोगियों के सिर पे, सभी मुझसे प्यार करने वालों के, मैं उन्हें इस बात की बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। स्वामी जी में कितना विश्वास रखते हैं कि वो जिस पे वरद हस्त रखते हैं उसकी वितरणी पार हो जाती है, चाहे राजनीति की हो चाहे? स्वामी तो स्वामी होते हैं इन स्वामी जी मैं समझता हूँ उम्मीद से ज़्यादा मुझे प्यार मिला, स्नेह मिला, और ये अगर मैं ये कहूँ कि काम भी बोलता है, नाम भी बोलता है। मैंने स्वामी जी जब मैं मिला तो मैंने एक ही बात कही थी कि आप पता कर लेना, मुझसे अच्छा कोई और मिले आप उसको दे दो, मैं ये नहीं कह रहा मुझे दो, किसी को दो, ऐसे बंदे को मिले, ऐसे व्यक्ति को मिले जिसे पार्टी की छवि खराब ना हो, पार्टी का नाम आगे बढ़े, जो हमारे मोदी जी ने नाम कमाया है, खट्टर जी ने नाम कमाया है, कोई या जो भी किसी की सिफारिश करे, कम से कम गलत की ना करे,
अच्छे आदमी की करे। मैं मेरे लिए टिकट मांगने नहीं आया, ना मैंने मेरे लिए टिकट मांगी। मैंने ये कहा कि अच्छा लगे, जिम्मेवारी लगे तो मुझे दे देना, अब मेरे से अच्छा कोई मिले उसे दे देना। मेरा कोई ऐसा मैंने अनुरोध नहीं, बिल्कुल एक बार भी नहीं कहा कि मुझे टिकट चाहिए, मैंने ऐसा नहीं। स्वामी जी टिकट के लिए रिकमेंड करते हैं क्या? जी लेकिन एक लेकर नाम लेके प्रकाश बाजी की गई जी, वो तो स्नेह मिलन में तो भ्रष्टाचार के मामले मैचिंग तो नहीं स्नेह मिलन। हाँ ये बस मैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन लोगों को कुछ साथियों का दुख इतना था वो बोल गए। हालांकि मुझे भी लगता है कि नहीं बोलना चाहिए हमें। मेरी सोच अलग से है, मैं किसी के प्रति कटाक्ष भी नहीं करता जल्दी सी, और ना ही मैं ये कह रहा कि किसी को ना दो उसकी काट दो, ऐसा नहीं भाई। अपना काम अच्छा लगे दे दो, कोई और अच्छा लगे उसे दे दो, इसमें कोई वो नहीं। स्वामी जी टिकट दिलवाने में कितने सक्षम हैं? सुनने में आया, सूत्रों में आया कि स्वामी जी जिसका नाम रिकमेंड करते हैं उसको टिकट मिल जाती है, क्या कितनी सच्चाई है ये स्वामी जी जाने। और बाकी ऐसा है कि सीएम साहब अच्छा मानते हैं, और ये भी अच्छा लगे उसकी करते हैं तो मैं कोई बुराई भी नहीं समझता। समाज का कोई व्यक्ति आगे आए और किसी कारण से आए, कैसे भी आए, तो अगर कोई साथी नाम लेता है या स्वामी नाम लेते हैं या जनता नाम लेती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई आदमी ठीक लगता है उसकी सिफारिश कर सकते हैं, इसमें कोई मैं कोई वो नहीं देखता। सीएम साहब से इनकी बहुत अच्छी गुडविल, बहुत अच्छी जुड़ाव, ये सच्चाई है। ठीक है।